बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जनाब हाजिर हैं जी अपने अगले लेक्चर के साथ रस्ट एम्बेडेड के कोर्स में। अभी तक हम जो हैं रस्ट एम्बेडेड डिस्कवरी बुक, जो कि ऑफिशियल बुक है रस्ट की तरफ से, उसके चैप्टर नंबर 3 के आगाज में है। ये बुक अवेलेबल है tinyurl.com/rdiskbook के ऊपर। इस यूआरएल पे जाएं तो ये आपको ऑफिशियल बुक के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। और ये बुक और इसके कंटेंट्स क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अगेंस्ट पब्लिकली अवेलेबल है। तो जनाब हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका जो कि है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करने के बारे में। ठीक है, तो हमने रस्ट की एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जिन टूल्स की ज़रूरत है, जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो सब के सब हम इस चैप्टर में इंस्टॉल करेंगे। तो आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। इससे पहले पिछले लेक्चर्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। आगाज़ करते हैं हम अपने आज के लेक्चर का। तो जनाब हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा कि हमने लिनक्स इंस्टॉल की, क्योंकि हमने ये तहैया किया था कि इस कोर्स में हम लिनक्स के ऊपर सारे का सारा काम करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो कि अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर का, अपने डिवाइस का, अपने लैपटॉप का विंडोज ही रखना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में हमने वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, देन उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की। फिर लास्ट लेक्चर में हमने लिनक्स की इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली गो थ्रू की, प्रैक्टिकली डेमो के साथ, प्रैक्टिकली हैंड ऑन्स के साथ। और अब हमारी लिनक्स इंस्टॉल हो चुकी है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने उस लिनक्स के ऊपर रस्ट कैसे इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो रस्ट इंस्टॉल करना जी बहुत आसान है। आपके दो तरह के स्टैंडर्ड फ्लेवर चल रहे होते हैं, एक फेडोरा बेस्ड है और एक डेबियन बेस्ड है। मतलब लाइक आप यूबंटू यूज कर रहे होंगे, या जिस तरह हमने लुबंटू यूज की जो कि यूबंटू बेस्ड है, या आप रेड हैट का कोई फ्लेवर यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की मेजर दो सीरीज चल रही होती हैं, या जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कमांड्स हैं उसकी दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के, एक एपीटी गेट है और एक यम है। तो आपने अगर तो चूज की भी है लुबंटू या उबंटू, तो आपका एपीटी गेट वाली कमांड्स चल रही होंगी। ठीक है, और अगर वो ना चलें तो आप ये यम वाली कमांड चला के भी देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिनक्स पे चल जाएगी। अगर आप लुबंटू या उबंटू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एपीटी गेट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन ऑफ रस्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को कहेंगे कि चेक करो कि अभी जो करेंटली इंस्टॉल जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका कोई अपडेट या कोई अपग्रेड आई हुई है तो वो इंस्टॉल कर लो ना। तो आप कमांड इशू करेंगे सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ऊपर एपीटी गेट अपडेट या यम अपडेट, दोनों में से जो भी चलेगी। ठीक है, तो क्या करेगा कि ये आपकी जो भी फ्लेवर ऑफ द लिनक्स आप यूज कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं लिनक्स का, उनकी प्रोवाइडर की वेबसाइट जाएगा और वहां जाके चेक करेगा कि आपकी लिनक्स के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं या लिनक्स खुद भी, उसका कोई अपडेट आई हुई है। जिस तरह विंडोज में विंडोज अपडेट आती है ना, अगर कोई एरर हो, कोई वल्नरेबिलिटी हो, तो उसको पैच कर देते हैं और देन फिर उसका जो अपडेट रिलीज होती है वो आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपका सिस्टम उस वल्नरेबिलिटी से महफूज हो जाता है। तो ये कमांड पहली वाली एपीटी गेट अपडेट या यम अपडेट, ये जाकर आपके जो जो प्रोवाइडर ऑफ द लिनक्स है उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करेगा कि आपकी जो लिनक्स इंस्टॉल हुई हुई है इसके लिए कोई अपडेटेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि नहीं है।
ठीक है, और वो डाटा सारा ला के आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा। ये तकरीबन कोई 20 MB के करीब डाटा डाउनलोड करती है ये कमांड अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद फिर आप सेकेंड कमांड चलाते हैं एपीटी गेट अपग्रेड या यम अपग्रेड। तो यह करती है कि वो जितने भी अपडेट्स वहां से आए होते हैं ना पिछली वाली कमांड की अगेंस्ट, उन सबको इंस्टॉल करना शुरू कर देती है, डाउनलोड भी करती है और इंस्टॉल भी करती है। तो ये दो कमांड्स इसलिए जरूरी होती हैं कि आपके कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर अप टू डेट हों जिस वक्त आप रस्ट इंस्टॉल करें। ठीक है, सबसे पहले हम ये दो कमांड्स इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, इस स्लाइड के बिल्कुल पहली लाइन जो लिखी हुई है, इशू द फॉलोइंग कमांड्स एज रूट और एल्स यूज सूडो एट द स्टार्ट ऑफ द कमांड। ये बता रही है कि ये कमांड आपने एज ए रूट यूजर इंस्टॉल करनी है। ये जो अपग्रेड और अपडेट वाली कमांडें होती है ना, ये एज ए रूट यूजर आपने इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर तो आप रूट यूजर से लॉग इन है, रूट यूजर जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सेम लाइक लिनक्स में जो सबसे पावरफुल यूजर होता है वो रूट यूजर होता है। ठीक है, जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपसे रूट यूजर का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह पूछा होता है। तो अगर तो आप रूट यूजर से लॉग इन किया हुआ है आपने, तब तो आप ये कमांड एज इट इज चला दें कि apt-get update या yum update, ठीक है, क्वेश्चन अपग्रेड वाली। लेकिन अगर आप रूट यूजर से लॉग इन नहीं है तो कमांड से पहले sudo लिखते हैं, sudo, sudo। तो ऐसी सूरत में हमारी ये वाली कमांड क्या बनेंगी, ये कमांड बन जाएंगी sudo space apt-get space update या sudo space yum space update। ठीक है, ये आपकी कमांड बन जाएगी और सेम वे sudo apt-get अपग्रेड या sudo yum अपग्रेड। तो ये आपने जरूर ख्याल रखना है कि जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनको इंस्टॉलेशन या सिस्टम अपडेट की प्रिविलेजेस नहीं होती। तो अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉग इन हैं तो आपको उस कमांड से पहले sudo लगाना पड़ेगा। तो देन उसको आरजी तौर पे फॉर दैट कमांड जिसके पीछे आपने sudo लगाया है, उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस मिल जाती हैं और जब वो कमांड खत्म होती है तो आप वापस अपने यूजर मोड में आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप रूट से लॉग इन है तो फिर तो आप जो भी कमांड रन करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ रन होगा। और वैसे लिनक्स यूजर को ये सजेस्ट भी किया जाता है कि आप रूट यूजर से कभी भी लॉग इन करके कोई काम ना करें। आप जब भी काम कर रहे हो तो अपना एक सादा यूजर बना लीजिए, उससे काम करते रहे। जब आपको कोई इंस्टॉलेशन या कोई ऐसी कमांड रन करने की जरूरत है जिसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस चाहिए, तो सिर्फ उस सूरत में आप या तो कमांड से पहले sudo लगा लें, ठीक है, ताकि सिर्फ वो कमांड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ चले, या आपको जब जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की कोई इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस रिक्वायर्ड हो तो तब आप रूट से लॉग इन कर लें, वो काम करें और उसके बाद वापस अपने नॉर्मल यूजर के ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो जनाब हमने सबसे पहले कमांड रन की apt-get update या yum update और फिर उसके बाद apt-get upgrade या yum upgrade। ठीक है, और इनको हमने एज ए रूट यूजर रन किया या फिर उससे पहले sudo लगा लिया। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है curl। क्यों इंस्टॉल करेंगे इस बहस में हम नहीं पढ़ते, ये इसकी इंस्टॉलेशन हमारी रस्ट की इंस्टॉलेशन के लिए बड़ी जरूरी है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फिर आगे रस्ट को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि apt इंस्टॉल कर या sudo apt इंस्टॉल कर लिया, और अगर आपका सिस्टम yum बेस्ड है तो आप sudo yum इंस्टॉल curl कर देंगे, या फिर अगर रूट से लॉग इन है तो फिर सिंपल yum इंस्टॉल कर। तो इससे हमारे कंप्यूटर में curl इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम आगे जो सेकेंड कमांड curl वाले सेक्शन में लगाएंगे, curl https://sh.rustup.rs /s F और आगे पाइप साइन और sh। तो ये कमांड चलाएंगे तो रस्ट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगी यस नो की फॉर्म में और देन उसके बाद रस्ट इंस्टॉल करना शुरू कर देगी। जब रस्ट इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम को, अपने लिनक्स को एक बार रीस्टार्ट करवाना है। और रीस्टार्ट करवाने के बाद फिर आपने चेक करना है कि रस्ट इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई। और वो चेक हम कैसे करेंगे, हमें कमांड रन करेंगे rust c space variant। तो अगर रस्ट इंस्टॉल हो गई है तो वह बता देगा कि आपके सिस्टम पे रस्ट का फला वेरिएंट इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये एक इंस्टॉलेशन का गो थ्रू होगा हमारी। अच्छा, इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने एक तो rust c space variant से हम टेस्ट करेंगे कि हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई,
और उसके साथ साथ हम एक छोटा सा बिल्कुल एक प्रोग्राम बना के भी चेक कर लेंगे कि हमारी रस्ट इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई। तो हम एक सिंपल रस्ट का प्रोग्राम बनाएंगे जो कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। उसको कंपाइल करके रन करके देखेंगे कि हमारे लिनक्स वाले सिस्टम में रस्ट प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है कि नहीं हो गई, वो प्रॉपर अब कंपाइलेशन वगैरह कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। ये काम करने के बाद तीसरा काम जो हम करेंगे, ये एक ऑप्शनल काम है, बट डेवलपमेंट करते हुए आसानी के लिए ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है, इसलिए हम तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये काम क्या है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे लिनक्स के ऊपर। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, ये एक आईडी है, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये आईडीई या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि हमें आसानी प्रोवाइड करता है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हों। जैसे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम तो प्रोग्राम नोटपैड, अगर विंडोज के केस में हो वो भी खोल कर प्रोग्राम लिख सकते हैं, या रस्ट के सॉरी लिनक्स के केस में विम एक एडिटर होता है वो भी यूज हो सकता है, नैनो एडिटर है वो भी यूज हो सकता है, वो भी नोटपैड की तरह के एडिटर है, जी विम है ग्राफिकल विम। लेकिन क्या है कि उसके अंदर ना हम जो कोड लिख रहे हैं वो बिल्कुल वो सारे सॉफ्टवेयर विम वगैरह वगैरह नैनो जी विम ये नोटपैड की तरह के सॉफ्टवेयर है। जबकि अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर ले, इससे क्या होगा कि ये हमारी कोड की फॉर्मेटिंग, उसके साथ कुछ एक्सटेंशंस आती हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो हमें सजेस्ट भी कर देगा कि यार ये जो कोड है, फॉर एग्जाम्पल हम आदि कमांड लिखेंगे तो वो प्रिंट के लिए हम पी आर लिखेंगे तो वो INT हमें सजेस्ट कर देगा कि यार आप प्रिंट की कमांड डालना चाह रहे हैं तो ये आप टैब दबाएं तो वो कमांड पूरी की पूरी लिखी भी आ जाएगी। इस तरह की ना छोटी छोटी इनहेंसमेंट प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर्स को। तो इस हवाले से हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम उसको डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम की वेबसाइट से, और उसके बाद उसको लिनक्स में इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद उसको रन करके देख लेंगे कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो जनाब ये तीन इम्पॉर्टेंट टास्क हैं हमारे आज के लेक्चर के हवाले से, ठीक है, जिनको हम अब प्रैक्टिकली गो थ्रू करेंगे। लेकिन ये है कि तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रैक्टिकल डेमो को आज के लेक्चर के। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए आप। तो जनाब अब हम आते हैं अपने लुबंटू या युबंटू मशीन में, लिनक्स मशीन में, जहाँ पे अब हम इंस्टॉल करेंगे रेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं टर्मिनल विंडो में। यहाँ पे चूंकि मैं अपने यूजर से लॉग इन हूँ तो मैं यहाँ पे सूडो के साथ वो कमांड लिखूंगा, सूडो apt get update। ये मुझसे मेरे यूजर का पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद ये अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम sudo apt get upgrade की कमांड देंगे। तो यहाँ पे अगर कोई अपग्रेड अवेलेबल होगा तो हमें बता देगा कि द फॉलोइंग अपग्रेड्स आर अवेलेबल और उनका साइज इतना है और आप उनको अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, यस या नो, तो आपने वहां पे यस कर देना है। तो एक बार जब आपका सिस्टम जो है फुली अपग्रेडेड हो जाए उसके बाद फिर आप रेस्ट की इंस्टॉलेशन कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी रेस्ट की इंस्टॉलेशन की तरफ। यहाँ पे हमने इंस्टॉल करना था कर, तो हम यहाँ कमांड देंगे sudo sudo apt install कर। तो ये देखें यहां पे इसने हमें कर्ल इंस्टॉल कर दिया, sudo apt install कर्ल की कमांड के साथ।
इसके बाद जो कमांड है हमारी वो है curl https colon slash slash sh dot rustup dot rs sorry यहाँ पे https आएगा https colon slash slash sh dot rustup dot rs space small s कैपिटल एस एफ और एस एच, ठीक है जी। ये कमांड है एस एच डॉट रस्टअप डॉट आर एस स्मॉल एस कैपिटल एस एफ और फिर पाइप साइन और उसके बाद एस एच। तो जनाब ये देखें, ये रस्ट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप वन प्रेस करें प्रोसीड विद इंस्टॉलेशन के लिए, टू प्रेस करें कस्टमाइज करने के लिए, और थ्री प्रेस करें कैंसिल करने के लिए। तो चूंकि हमने यहाँ पे इंस्टॉल करनी है वे डिफॉल्ट ऑप्शंस, तो हम यहाँ पे वन प्रेस करेंगे। जब वन प्रेस करेंगे तो अभी अपने जो रस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उनको डाउनलोड और इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो इसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह कार्गो था, क्लिपी था, रस्ट के डॉक्यूमेंट थे ऑफलाइन, उसके बाद रस्ट स्टैंडर्ड एक मॉड्यूल होता है जो कि रस्ट के हर प्रोग्राम के शुरू में ऐड होता है, जो कि हम कंप्यूटर से लैपटॉप के लिए कंपाइल करते हैं। उसके बाद अभी रस्ट सी डाउनलोड कर रहा है, रस्ट का फॉर्मेटर। इस तरह से ये रस्ट के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको वन बाय वन डाउनलोड और इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ये बता रहा है कि रस्ट इंस्टॉल हो गई है, वेरी गुड, शुक्रिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि आप एक कमांड चलाएं, और वो कमांड ये सबसे एंड में लिखी हुई आ रही है, आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, या आप इसको टाइप भी कर सकते थे, सोर्स डॉलर होम स्लैश डॉट कार्गो स्लैश env, ठीक है। और उसके बाद हम कमांड चेक करते हैं